अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रोफेसर मोहम्मद शाबान आर के प्लेटफॉर्म से एनएमडी कैट सेशन 2021 में हाफ बुक टेस्ट नंबर 2 लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट से हवाले से हाजिर हूँ। टॉपिक है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में एक पैराग्राफ से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ है जी, विंड इज एन इनएक्सिबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एरो जनरेटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हवा जो है हमारे पास नाकाबिले तस्खीर एनर्जी को एनर्जी है, जिसमें एरो जनरेटर के जरिए उसको बिजली में कन्वर्ट किया जा सकता है। थ्रू अगरचा नॉट मच हैज़ टू फॉर बीन डन इन दिस फील्ड, इस मैदान में बहुत कुछ नहीं किया गया। द सर्वे शोज दैट, सर्वे हमें यह बताता है, देर इज़ अ वास्ट पोटेंशियल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉर डिवेलपिंग विंड एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, हवा को मुतबादिल सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करने की। द विंड सर्वे ये बताता है, फोर कंपोनेंट्स हैं। नंबर एक डायरेक्शन, नंबर दो ड्यूरेशन, नंबर तीन स्पीड एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि तकसीम। ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस के ऊपर यूपी हिली एरियाज, जो पहाड़ी इलाका है यूपी का, हैव बीन फाउंड एन आइडियल प्लेस, वो एक आइडियल प्लेस के तौर पे हमें नज़र आता है फॉर सेटिंग अप, जहाँ पे हम सेट कर सकते हैं एरो जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इन यूपी हिल्स अलोन, सिर्फ यूपी हिल्स के अंदर ही, सो मैनी एज 58 साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, तकरीबन 58 से ज़्यादा साइट्स हैं जो आइडेंटिफाइड की गई हैं जहाँ पे एरो जनरेटर लगाए जा सकते हैं। ये बेटा हमारा पैराग्राफ था, इससे रेलिवेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन के हवाले से बात करते हैं। पांच क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ओनली हिली एरियाज ऑफ यूपी वर सर्वेड फॉर सेटिंग अप एरो जनरेटर, कि सिर्फ और सिर्फ यूपी के हिली एरियाज को सर्वे करके देखा गया कि वहां पे एरो जनरेटर लगा सकते हैं। यहां पे जो ओनली है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई, ये गलत बात हो जाएगी, और भी बहुत सारे इलाके होंगे, लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट पैराग्राफ में मौजूद नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे प्रोबेबली फॉल्स। चार्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, द सर्वे वाज कंडक्टेड, जो सर्वे है वो कंडक्ट किया गया है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। जारी बात है, गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर तो हम कुछ कर नहीं सकते, बात तो ठीक है, लेकिन पैराग्राफ में नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे प्रोबेबली ट्रू। मैं अक्सर बताया करता होता हूँ, प्रोबेबली ट्रू और प्रोबेबली फॉल्स ऐसी सही और गलत बातें होती हैं जिनके पैराग्राफ में डायरेक्ट नहीं बताया गया होता, लेकिन उनका कनेक्शन होता है, वो काम हुए होते हैं पैराग्राफ में। नेक्स्ट चलते हैं जी हम, विंड हवा एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे कैन रिप्लेस किया जा सकता है एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ठीक है, यानी डेफिनेटली ट्रू, ईटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, एनर्जी बाय विंड इज कंपैरेटिवली न्यू इमर्जिंग फील्ड, बिल्कुल सही, डेफिनेटली ट्रू, यानी चार्ली इज द राइट आंसर। लास्ट एमसीक्यू है इस पैराग्राफ से हमारा, 58 साइट्स आइडेंटिफाइड इन यूपी डिड नॉट हैव एन इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी हैं जहां पे बिजली नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत है, या इस हवाले से तो हमें पैराग्राफ में बताया ही नहीं गया, इसलिए हम कहेंगे डाटा इनएडिक्वेट, यानी इररेलेवेंट डाटा है। जी बिल्कुल, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ से भी पांच सवाल पूछे जाएंगे। हाँ जी, पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप बच्चों के लिए भी और इन जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी। रेबीज इज अ डिजीज, रेबीज एक डिजीज है ट्रांसमिटेड, जो कि ट्रांसफर होती है टू अ मैन, इंसानों को एंड एनिमल और जानवरों को, थ्रू द बाइट ऑफ रेबीज इन्फेक्टेड एनिमल, एक ऐसे एनिमल के काटने से जो रेबीज इन्फेक्टेड हो, जिसे रेबीज हो। मोस्ट कॉमनली बाय द डॉग्स, इसमें ज्यादातर आम तौर पर कुत्ते शामिल हैं। इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल, ये इन्फेक्टेड एनिमल के सलाइवा यानी थूक के अंदर मौजूद वायरस की वजह से होता है, विच गेट्स डिपॉजिटेड इन द वाउंड ऑफ द बाइट विक्टम, जो कि काटने की जगह पर जम जाता है, मल्टीप्लाइज, बढ़ता है एंड ट्रेवल और सफर करता है टूवर्ड्स ब्रेन, दिमाग की तरफ,
एंड स्पाइनल कॉर्ड और रीढ़ की हड्डी की तरफ। इफ नॉट ट्रीटेड, अगर इसका इलाज ना किया जाए, अबाउट हाफ ऑफ सच केसेस, तकरीबन निफ्स ऐसे केसेस के अंदर डिवेल्प रेबीज, रेबीज की बीमारी हो जाती है। सिम्टम्स ऑफ डिसीज स्टार्ट 1 to 3 months आफ्टर द बाइट, काटने के 1 to 3 माह के दरमियान जो इस बीमारी के सिम्टम्स हैं वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। वेरी फ्यू लेबोरेटरी, बहुत कम लेबोरेटरी टेस्ट हैं आर अवेलेबल फॉर द डायग्नोसाइज ऑफ द रेबीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम लेबोरेटरी टेस्ट हैं रेबीज की बीमारी को डायग्नोज करने के हवाले से। प्रिकॉशनरी मेजर्स एहतियाती तौर पर इंक्लूड प्रॉम्प्ट वॉशिंग ऑफ द डॉग बाइट वाउंड विद अ सोप एंड वाटर, कुत्ते के काटने वाली जगह को साबुन और पानी से धोना चाहिए। द वाउंड इज ऑल्सो ट्रीटेड विद सिटावियन, जख्म को हम सिटावियन से भी इलाज कर सकते हैं जिसमें शामिल है टिंचर ऑफ आयोडीन या सेपरेट। तो ये बेटा हमारा पैराग्राफ था जो कि डिजीज के हवाले से था। पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम इससे रिलेवेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज शुड एक्सपीरियड मैयर टू कैच एंड किल स्ट्रे डॉग्स एज प्रिवेंटरी मैयर्स, एहतियाती तौर पर गवर्नमेंट को चाहिए कि आवारा कुत्तों को पकड़े और मार दे। इस हवाले से हमारे पैराग्राफ में कोई बात नहीं कही गई, इसलिए डाटा इनएडिक्वेट, ईटा इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, रेबीज कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनी एनिमल टू द अदर थ्रू ओपन कट्स एंड वाउंड्स, बात बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली ट्रू, डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाइट ऑफ रेबीज इन्फेक्टेड एनिमल टू हेल्थी एनिमल डेफिनेटली रिजल्ट इन स्प्रेड ऑफ रेबीज, बिल्कुल बात ठीक है, डेफिनेटली ट्रू, अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सलाइवा ऑफ हाउस डॉग्स शुड बी पीरियोडिकली टेस्टेड फॉर डिटेक्शन ऑफ रेबीज, के घरेलू कुत्तों का जो थूक है वो पीरियोडिकली चेक करना चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन पैराग्राफ में इस हवाले से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, सो डाटा इनएडिक्वेट, डेल्टा इज द राइट आंसर। वेस्टर्न कंट्रीज हैव वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट रेबीज, इस हवाले से भी हमारे डाटा में कोई बात नहीं की गई, क्योंकि हमें यह बताया गया कि पाकिस्तान में ऐसी लेबोरेटरीज कम है लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है, इस हवाले से कोई बात नहीं बताई गई, सो बीटा, डाटा इनएडिक्वेट। ये था बेटे आज का टेस्ट, इंशाल्लाह अगले टेस्ट के साथ कल हाजिर होऊंगा, तब तक इजाजत दिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।